देखो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास में, उसके बाद में तुम्हें छुट्टी दे देंगे हम लोग, ठीक है। 7-8 प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी की 3री PDF है ये, 3rd PDF है। 2 क्वेश्चन जो बच गए थे वो मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। 2 PDF मैं सेंड कर चुका हूँ आपके पास में, पढ़ लेना उन्हें अच्छे से, बिल्कुल रिवाइज कर लेना सही से। ये 3rd PDF है आपकी, 5-6 क्वेश्चन है इसके अंदर, छोटे छोटे हैं, 1-1 मार्क्स की प्रॉब्लम है। चलो करें स्टार्ट बेटा। देखो, 2 वायर्स, वन ऑफ मैंगनीन एंड अदर ऑफ कॉपर हैव इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ है उनकी, इक्वल रेजिस्टेंस, विच वन ऑफ दीज वायर विल बी थिकर, ठीक है। एक तो बात हो रही है मैंगनीन वायर की यार, एक बात हो रही है कॉपर वायर की। अब कॉपर तो मेटल हो गई, बढ़िया वाली मेटल, गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, अच्छे से करंट को पास कराता है। मैंगनीन अच्छे से करंट को पास नहीं कराता है, इसीलिए हम मैंगनीन का यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रजिस्टर। अगर आप कहीं स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाओगे ना, जैसे आप हीटर का जो एलिमेंट बनाते हो, हीटर का जो एलिमेंट बनता है वो इसी मेटल या इसी एलॉय का बनता है मैंगनीन। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत कम लंबाई में ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, शॉर्ट लेंथ में हाई रेजिस्टेंस ऑक्यूपाई करता है, ये मैंगनीन की खास बात है। दूसरी बात मैंगनीन की खास बात यह है कि मैंगनीन के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 0 से काफी बड़ी होती है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये मैंगनीन की 2 बहुत अच्छी बातें हैं। अल्फा की वैल्यू का 0 से बहुत बड़े होने का मतलब यह है, हल्का सा टेम्परेचर राइज करोगे एकदम से इसका रेजिस्टेंस भी राइज हो जाएगा, एकदम से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो 2 कंडीशन है हमारे पास में। उसने हमें कहा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन, ठीक है। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा तुम में से कोई? रो एल पर और ए पर डिपेंड करने वाला। क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ सेम है ना, एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन। बेटा लेंथ सेम है ना, एरिया ऑफ मैंगनीन, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, यहां ले जाते हैं इसे, ये बनेगा एरिया ऑफ मैंगनीन अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अब यार हम जानते हैं कि जो मैंगनीन की रेजिस्टिविटी है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि जो बैड कंडक्टर होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है। इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर ये बड़ा ये छोटा तो डेफिनेटली ये बड़ा और ये छोटा, तो बताओ किसका एरिया ज्यादा होगा, मैंगनीन का एरिया ज्यादा होगा या कॉपर का एरिया ज्यादा होगा? जल्दी से बताओ, तो थिकर कौन होगा, मैंगनीन या कॉपर? मैंगनीन थिकर होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, थिन, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसका आंसर यहां लिख देते हैं, आंसर होगा रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, सो एरिया ऑफ मैंगनीन ग्रेटर देन ऑफ एरिया ऑफ कॉपर। तो मैंगनीन क्या हो गया बेटा, थिक, और कॉपर क्या हो गया है, थिन। क्लियर? ओके, ये है हमारे पास में प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम है, बन जाएगी आराम से, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें याद है हमने एक और सवाल ऐसा ही किया था, वहां लाइट और हैवी पूछा था, कौन सा वायर लाइट होगा कौन सा हैवी होगा, ठीक है ना। वहां एल्युमिनियम की और किसकी बात हो रही थी, कॉपर की बात हो रही थी। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में आ सकता है बेटा, 1 मार्क्स में, ठीक। CBSE ने तुम्हारे लिए एक काम और बहुत अच्छा कर दिया है। अभी तो एक सैंपल पेपर CBSE ने इशू किया था, 15 दिन के बाद में CBSE एक हैंडबुक इशू कर रही है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब 30% सिलेबस कम कर दिया, एग्जाम 2 महीने पीछे हटा दिए, अभी भी CBSE को चैन नहीं आया तुम्हारे लिए, वो और कुछ करना चाह रही है तुम्हारे लिए। तो हर सब्जेक्ट की एक हैंडबुक इशू हो रही है जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ठीक है, जिससे कि बच्चों की एक प्रैक्टिस बन जाए और बच्चों को पता चल जाए कि किस लेवल का सवाल एग्जाम में आने वाला है। लगभग उम्मीद यह है कि हैंडबुक के अंदर 300 से 500 क्वेश्चन होंगे और मोस्टली वो पेपर उसी में से ही बनाने वाले हैं, ठीक है। 15 दिन के बाद CBSE जो है ना वो इशू कर रही है हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपका इंग्लिश, सब के लिए इशू कर रही है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ,
सही मायने में ओम कोई लॉ नहीं है, ये कोई फंडामेंटल कंडीशन नहीं है। ओम्स लॉ जो है ना, वो कोई फंडामेंटल कंडीशन बिल्कुल नहीं है। भाई फंडामेंटल कंडीशन क्या होती हैं? जो हर सिचुएशन पर, हर कंडीशन पर वेरीफाई होती हैं, वो हमारी फंडामेंटल कंडीशन या यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ कहलाता है। समझ में आ रही बात? हम जानते हैं यार, ओम्स लॉ वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ तब रहेगा जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई नहीं होगा। तो आप खुद इसका आंसर दे सकते हो, दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। क्या है क्वेश्चन मुझे ये बताइए, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होगा जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इफ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अगर किसी बच्चे को याद हो जब हमने पहले पढ़ाया था कि भाई कौन ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, मैं कहूंगा यार कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, चाहे कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर मैट कुछ कोई भी मेटल क्यों ना हो, कोई भी ओम्स लॉ को सक्सेसफुली पूरे लंबे टाइम के लिए वेरीफाई नहीं करता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हर एक मेटल बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगी। कब तक ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगी? जब तक उस डिवाइस का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो एक दो एग्जाम्पल अपने आप से उठाकर उसके अंदर डाल दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप उसके अंदर डाल दीजिए। जैसे कि आप सेमीकंडक्टर के बारे में लिख सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड हमने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा था, क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा था वहां पर, जिसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। जिसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आप बात कर सकते हैं, थर्मिस्टर की या थायरिस्टर की आप बात कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की बात कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेंगे। अच्छा, ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा कौन? मेटल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर किसी मेटल की हम बात करें और टेम्परेचर कैसा रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तब ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई होगा। गैलियम आर्सेनाइड बहुत कम टाइम के लिए ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, जब मैंने ग्राफ आप लोगों को समझाया था, याद है ना? ओके, बताओ भाई क्या है बच्चों प्रॉब्लम, देखो क्या है। नेम एनी वन मटेरियल हैविंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस राइट वन यूज ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, हमें किसी ऐसे मटेरियल का नाम लिखना है जिसके लिए टेम्परेचर कॉफिशेंट की वैल्यू ना बहुत कम है, टेम्परेचर कॉफिशेंट कम है, अल्फा की वैल्यू क्या है? कम। समझ में आ रही बात? अच्छा, राइट वन यूज ऑफ दिस मटेरियल। देखो यार, अगर मैं बात करूं भाई सेमीकंडक्टर में तो अल्फा आता ही नहीं है, सेमीकंडक्टर के अंदर अल्फा नहीं आता है, समझ में आ रही बात? इंसुलेटर की हमें बात करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने हमें हाँ मटेरियल लिखा है तो इंसुलेटर की बात कर सकता हूं। अगर मैं इसका पूरी तरीके से सही आंसर दूं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ना बहुत कम होती है, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, वो ना तो सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब मेटल की तरह बिहेव करते हैं लेकिन कंडक्टिविटी बहुत लो है। कंडक्टिविटी कैसी है? वेरी लो, बहुत लो कंडक्टिविटी है। उन मटेरियल्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होती है, उन मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। और ऐसे मटेरियल्स का यूज हम ऐसी मशीन्स के अंदर करते हैं जहां हमें करंट को तो पास करना होता है लेकिन लो कंडक्टिविटी चाहिए होती है। कैसी कंडक्टिविटी चाहिए होती है? लो कंडक्टिविटी चाहिए होती है। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर, नाम लिखिए इसका, नेम एनी वन मटेरियल हैविंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा। मटेरियल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है भैया, अभी मैं याद कर लेता हूँ उसके बाद लिखवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे मटेरियल का नाम, बाकी यह है कि वो मटेरियल का जो हम यूज़ करेंगे ना वो ऐसी मशीन या ऐसा कंपोनेंट डेवलप करने के लिए करेंगे जहाँ हमें बहुत ही लो करंट चाहिए होगी। कैसी करंट चाहिए होगी? कम कंडक्टिविटी हमें चाहिए होगी, और जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है उनके लिए अल्फा की वैल्यू हमारी जीरो के आसपास होती है, लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होती है। क्लियर है ना? अभी बता देंगे आपको याद करके।
नहीं, वो सेमी कंडक्टर हो जाएगा, लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा नहीं आता है। अल्फा क्या तो होता है मेटल के लिए, या होता है इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। और इंसुलेटर्स के लिए भी ट्वेल्थ लेवल पे नहीं आता है। जब आप ट्वेल्थ के बाद फिजिक्स पढ़ोगे ना जाकर, तब जाकर आपको इंसुलेटर्स के लिए अल्फा दिखाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ मेटल या एलॉय के लिए बात करनी है, और मेटल और एलॉय में अल्फा उस मटेरियल का कम होगा जिसकी कंडक्टिविटी लो है। समझ आ रही बात? नाम मैं बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। एक दो उसमें वो सेमीकंडक्टर है, सब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, उसमें अल्फा नहीं आता है, क्योंकि अल्फा का जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस की ई जी अपॉन टू के टी। समझ में आ रही बात? वहाँ अल्फा नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का कोई यूज नहीं है। अल्फा का क्या तो यूज है मेटल के लिए, या एलॉय के लिए, या इंसुलेटर के लिए। तुम्हारे लिए इंसुलेटर भी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है इंसुलेटर, तुम्हारे लिए सिर्फ मेटल है और एलॉय है, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। देखो यार, मैं आप लोगों को ना पावर पढ़ाने वाला था, मतलब पावर के बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला था। तो देखो, पावर की प्रॉब्लम है क्या हमारे पास में। पहले आप ये देखिए कि पावर क्लियर है या नहीं है आप लोगों को। पावर का सीधा सा मीनिंग क्या है? कोई भी मशीन एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च करेगी वो उसकी पावर कहलाएगी। कोई भी मशीन एक सेकंड में जो एनर्जी खर्च करेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। पावर के बेसिकली हमारे पास में चार फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले। एक तो बड़ा जनरल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंजप्शन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर में पावर की बात करें तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको सीधा प्रॉब्लम के अंदर बताता हूं, तीन चार क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं पावर के, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये प्रॉब्लम है बेटा आपके पास में, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे हम कंडीशन। टू हीटर्स आर मार्क 200 वोल्ट एंड 30 वॉट एंड 200 वोल्ट और 600 वॉट, ठीक है। इफ द हीटर्स आर कंबाइन इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, विच हीटर विल प्रोड्यूस मोर हीट। आपको बताना है कि कौन सा हीटर ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। पहले आप ये देखो एक हीटर तो हमारे पास में ये है, हमने इसका रेजिस्टेंस यहां बना दिया। दूसरा हीटर हमारे पास में ये है, हमने इसका रेजिस्टेंस यहां बनाया कुछ ऐसे, और दोनों को सीरीज में लगाया प्रॉब्लम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और हमने एक्सटर्नली सोर्स के साथ जोड़ दिया, बाहरी सोर्स के साथ जोड़ दिया। बाहरी सोर्स का जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट। सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, फिर हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसका रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। यहाँ की पावर आपको कितनी दे रखी है जल्दी बताइए, कितनी दे रखी है? 30 वोल्ट दे रखी है, और वोल्टेज कितना है आपके पास में? 200 वोल्ट। यहाँ का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ओ उल्टा लिख दिया मैंने यार, ध्यान से जरा देखिएगा। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। अगर आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है ना बेटा, तो ये तरीका है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। हाँ भाई, इस पर कितना वोल्टेज मार्क है, इस पर जो लिखा हुआ है ना वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो वोल्टेज आपको लेना है। कितना वोल्टेज लिखा हुआ है जल्दी बताओ, कितना लिखा हुआ है? 200 इंटू 200, पावर कितनी जल्दी बताओ? 30 कैंसिल आउट, क्या बना हमारे पास में जरा ये बताइए। हमारे पास में बना 4000, बनाना बेटा 4000 डिवाइडेड बाय 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस आ गया इतना। बताओ क्लियर है या नहीं है। अब हमें निकालना है दूसरे हीटर का रेजिस्टेंस, बताइए दूसरे हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड हीटर, ये हो गया वोल्टेज का स्क्वायर और दूसरे वाले की पावर। दूसरे वाले पर भी 200 वोल्ट लिखा है, 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट, और दूसरे वाले की पावर है 600 वाट, 600। सिंपल, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, कितना आएगा जरा बताइए इस बार? 200 अपॉन 3 ओम, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई परेशानी किसी को नहीं है, पक्का? अब हमें निकालनी है करंट कि यहां से निकलकर कितनी करंट यहां जाने वाली है। मैंने माना कि इस पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से निकलकर कितनी करंट जाने वाली है? आई। अरे बोलो भाई, और यहां कितनी करंट जाने वाली है? यहां भी करंट जाने वाली है आई। समझ में आ रही बात? अगर मुझे ये बताना है कि यहां इस पॉइंट में कितनी हीट डेवलप होने वाली है, यहां कितनी हीट निकलने वाली है, तो बेटा यहां हीट निकालने का तरीका है, ये बताओ इस हीटर में करंट कितनी पहुंच रही है? आई स्क्वायर। इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए आप हीट बताने वाले हैं? उसने टाइम तो हमें दे नहीं रखा है,
तो हम 1 सेकंड लेकर चलेंगे, हम 1 सेकंड के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा हीटर ज़्यादा हीट डेवलप करेगा, कौन सा कम करेगा। समझ में आ रही बात? करंट का स्क्वायर इंटू आर वन मल्टीप्लाई बाय टी। सिमिलरली हमें यहाँ हीट बतानी है, कैसे बताओगे बेटा? यहाँ भी कितनी करंट पहुँचेगी, जल्दी बोलो, रेजिस्टेंस कितना है एंड मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर आर टू मल्टीप्लाई बाय टी। अब भाई देखो यार, मेन काम ये है, हमें हीट निकालनी है, आर वन की ज़रूरत पड़ेगी, आई की ज़रूरत पड़ेगी, टी हमारे पास में है 1 सेकंड। यहाँ हमें आई की ज़रूरत पड़ेगी, आर टू की ज़रूरत पड़ेगी, टी हमारे पास में है, आर टू और आर वन भी हमारे पास में है। सारी बात आकर अटक गई है आई पर, यानी करंट पर। करंट हम कैसे निकालेंगे मुझे ये बताइए। यहाँ का रेजिस्टेंस आर वन आपका निकल चुका है, जल्दी बताइए निकला है या नहीं निकला है। यहाँ का रेजिस्टेंस आर टू भी आपका निकल चुका है, निकला है या नहीं निकला है। अब आप क्या करोगे, आप सर्किट के अंदर ना टोटल करंट कैलकुलेट करोगे कि बैटरी के अंदर से कितनी करंट निकल रही है, ठीक है। आप कैसे निकालोगे बैटरी के अंदर से निकलने वाली करंट? बैटरी के अंदर से निकालने की जो बैटरी के अंदर से करंट निकलेगी उसे निकालने का तरीका है, ये बताओ कि सर्किट के अंदर कितनी बैटरी लगी हुई है, एक, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 200। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? आर वन प्लस आर टू, क्योंकि दोनों सीरीज में है। यहां से निकलेगा आपके पास में आई, क्या निकलेगा? आई को उठाकर यहां रखोगे, आर वन आपके पास में है, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, 1 सेकंड में यहां से कितनी हीट डेवलप होगी निकल जाएगा। क्लियर हो रही बात? 1 सेकंड में यहां से कितनी हीट डेवलप होगी, यहां से निकल जाएगा, आई की वैल्यू यहां से उठाकर ऊपर पुट करोगे। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कर लीजिए आप नोट डाउन। आपको बताना है कि कौन से हीटर से ज्यादा हीट निकलेगी, तो H1 अगर ज्यादा आ गया तो पहले वाले से निकलेगी, और H2 ज्यादा आ गया तो दूसरे वाले से निकलेगी, ठीक है, समझ गए हो ना? वैसे ये है कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को लिखने में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करी है इसने, जैसे यहाँ पावर 600 वाट दे रखी है ना, यहाँ पावर 30 वाट नहीं होगी, ये 300 वाट के आसपास होगी, लेकिन उसने हमें 300 लिख दिया, तो हमें 300 के हिसाब से ही करना पड़ेगा। समझ चुके हो? तो पहले हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस। तो बताओ रेजिस्टेंस कौन से वोल्टेज का यूज करके निकालोगे, जो उसके ऊपर मार्क वोल्टेज है उसका यूज करके निकालोगे, या जो बाहर सोर्स का वोल्टेज है, जो मार्क वोल्टेज है उसका यूज करके आप रेजिस्टेंस निकालोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे, करंट निकालोगे, तब जाकर आपकी हीट यहां से कैलकुलेट होगी, ठीक है, कर पाओगे ना बेटा? बढ़े आगे, पूरा आंसर बनाना और ये बताना कि कौन से हीटर से ज्यादा हीट डेवलप होने वाली है, करंट यहां से आपकी निकल जाएगी। देखो लगभग लगभग बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, ठीक है, लगभग इस तरीके की प्रॉब्लम है हमारे पास में ये। क्या कह रखा है प्रॉब्लम के अंदर, जरा देखिए आप लोग। इन अ सर्किट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रजिस्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 42 जूल पर सेकेंड। देखो भाई, इसके अंदर से जो हीट डेवलप हो रही है ना बेटा, इसके अंदर से जो हीट डेवलप हो रही है वो है 42 जूल पर सेकेंड, ठीक है, समझ आ रही बात? ये गिवन दे रखा है हम लोगों को। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रेजिस्टर, यहां से कितनी हीट डेवलप होने वाली है आपको ये बताना है, यहां से कितनी हीट डेवलप होने वाली है आप लोगों को ये बताना है, समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो गिवन क्या दे रखा है आपको, यहां की जो हीट है, अरे दे रखी है ना यार, समझ में आ रही बात? मैंने माना कि इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उस करंट का नाम है I1, जल्दी से बताओ क्या नाम है, और इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उसका नाम क्या है, तो बताओ मैं हीट का फॉर्मूला यहां क्या लिख सकता हूं, मैं हीट का फॉर्मूला लिख सकता हूं, बताओ इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, I2 स्क्वायर, ठीक है, यहां का रेजिस्टेंस कितना है, समझ आया बेटा, और टाइम की जगह कितना पुट करेंगे, 1 करेंगे ना, 1 पुट, कितनी हीट डेवलप हो रही है, 42 जूल हो रही है, 42 जूल, ठीक है, सो I2 स्क्वायर इज इक्वल टू 42/5, I2 इज इक्वल टू अंडर रूट 42/5,
इतनी करंट यहाँ इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है। बताओ समझ में आया है नहीं आया, कोई परेशानी है किसी को तो जल्दी से बताए। अब आप निकालो यहाँ वोल्टेज कितना खर्च हो रहा है, कितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तुमने करंट निकाल दी यहाँ पर I2, निकाली है ना करंट यहाँ I2। अरे बोलो यार। तो यहाँ जो हमारा वोल्टेज होगा वो होगा I2R। बोलो भाई होगा या नहीं होगा। यहाँ कितना वोल्टेज होगा 4I1 बेटा, होगा या नहीं होगा। यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज होगा हमारे पास में 6I1। यहाँ भी करंट I1 है, ये भी करंट I1 है। यहाँ का वोल्टेज 6I1, यहाँ का वोल्टेज 4I1 और यहाँ का वोल्टेज है 5I2। बेटा कितना है वोल्टेज यहाँ का। अरे भाई समझ रहे हो। एक बात बताओ कि ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है या नहीं है। यानी जितना वोल्टेज यहाँ होगा बिल्कुल उतना ही वोल्टेज इन दोनों के सम के इक्वल होगा। पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है, सेम। जितना वोल्टेज इस अकेले के पास में है बिल्कुल उतना ही वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर है। समझ में आ रही बात। तो बताओ इस अकेले के पास कितना वोल्टेज है, 5I2। अरे है या नहीं है यार। कैसे निकाला 5I2 हम लोगों ने, करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से कर दी। तो हमने लिखा 5I2 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 6I1। सो 5I2 इज इक्वल टू 10I1, I1 इज इक्वल टू I2 बाय 2। नहीं आया समझ में, पक्का। हमें यहां निकालनी है हीट। क्या निकालनी है बेटा, क्या होगा हीट का फॉर्मूला मुझे बताओ जरा। करंट कितनी है यहां, I1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है और टाइम की वैल्यू। अरे समझ आया। I1 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, I1 को क्या लिख सकते हैं। I2 बाय, यहाँ I2 बाय 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, I2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4। और ये भी कितना हो गया, 4। 4 से 4 कैंसिल आउट। अबे आया समझ में। I2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 42/5। सो करेक्ट आंसर इज 42/5 जूल पर सेकेंड। यहाँ इतनी हीट डेवलप होने वाली। बोलो नहीं आया क्या समझ में, कैसे किया हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने क्या अप्रोच लगाई, क्या हमें गिवन मिला था, हमें यहाँ हीट दी गई थी, हमने यहाँ करंट निकाल दी, फिर हमने देखा यहाँ कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है। कितना वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज का खर्च करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से करके। इतना वोल्टेज खर्च हो रहा है, जितना यहाँ वोल्टेज खर्च होगा उतना ही इन दोनों में बटेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही बात। इस ब्रांच में वोल्टेज के कितने हिस्सेदार हैं मुझे ये बताओ, 2। यहाँ कौन है, अकेला। उतना ही वोल्टेज तो इस अकेले को मिलेगा और बिल्कुल उतना ही वोल्टेज इन दोनों में बटेगा। तो ये वोल्टेज इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, हमने I1 निकाल दिया वहां से। यहाँ कितनी हीट होगी, I1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बताओ इसमें निकाल सकते हो क्या हीट, कितनी निकलेगी इसमें हीट। करंट कितनी है यहाँ, I1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है और मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ हीट डेवलप हो जाएगी। ओके करिए नोट डाउन। ठीक हो गया बेटा, बढ़े आ गए। अब कोई परेशानी हो तो बताइए, यहाँ तक नहीं है, गुड। ओके, प्रॉब्लम को ना कोशिश करना है कि अपने आप से सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक, देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, NCERT का ना ये क्वेश्चन हमारा एक रह गया था। ठीक है, बहुत बल्कि एक नहीं दो क्वेश्चन रह गए थे, एक ये है और एक सबसे लास्ट में है। बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एक परफेक्ट प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जाम के लिए। पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। देखो भाई क्वेश्चन ना कुछ इसके जैसा है, एक बैटरी का EMF आपको दे रखा है, बैटरी का EMF है आपके पास में 8 वोल्ट, ये रहा प्लस ये रहा माइनस। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो है 0.5 ओम। ठीक, हमने इस बैटरी को जोड़ दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 15.5 ओम। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, भाई सुन रहे हो बात को ध्यान से। देखो हर बैटरी की टेंडेंसी ये होती है कि जितना बैटरी का वोल्टेज है ना
मैं अपने पॉजिटिव टर्मिनल से उस वोल्टेज को बाहर निकाल दूं, चाहे वो चार्जिंग मोड में हो चाहे वो डिस्चार्जिंग मोड में हो। ठीक है, बताओ इस बैटरी के पास कितना वोल्ट है? इस 8 वोल्ट को ये यहाँ से बाहर निकालेगी ऐसे। ठीक, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये तो हो गया बैटरी की टेंडेंसी। अब प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक उसने ये कहा कि इस बैटरी को 120 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। इस बैटरी को हम बाहर से 120 वोल्ट से क्या कर रहे हैं, चार्ज। जैसे घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी है उसे हम चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट से। अब मुझे ये बताओ चार्ज करने के लिए कितना जा रहा है, 120। बैटरी की टेंडेंसी, बैटरी की आदत है ये, मैं अपना वोल्टेज निकाल कर बाहर रख दूं, वो 8 वोल्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, 120 वोल्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। बताओ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना हो गया, जल्दी से बताओ। टोटल ईएमएफ हो गया 112 वोल्ट। बस यही इस क्वेश्चन की मेन बात थी। बेटा समझ में आया नहीं आया, पक्का? तो ये बताओ कि 120 वोल्ट 8 वोल्ट पर भारी पड़ेगा या 8 वोल्ट 120 पर भारी पड़ेगा? तो करंट कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? समझ में आ रही बात? चार्जिंग होगा या डिस्चार्जिंग होगा? पॉजिटिव में घुस रही है करंट, पक्का चार्जिंग होगा। होगा या नहीं होगा चार्जिंग? अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू? करंट निकालने का तरीका है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ 112, टोटल रेजिस्टेंस 15.5, तो ये हो गया ये वाला, और 0.5 है ना बेटा, ये हो गया, कितना हो गया 16। ठीक है, करें डिवाइड, कितना आएगा 7 आएगा, शायद 7 ही आएगा ना, 7 एम्पियर आ गया। ये बताओ बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है? जब बैटरी चार्ज होती है ना तो उसके टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E प्लस IR। बताओ इस बैटरी का EMF कितना है? इस बैटरी का EMF कितना है? 8। करंट कितनी है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। आंसर कितना बनेगा? 8 प्लस 3.5। सो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इज 11.5 वोल्ट। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यह है कि क्वेश्चन भले ही छोटा है लेकिन अच्छी बात सिखाकर जा रहा है तुम्हें कि भाई 8 वोल्ट बैटरी के अंदर से निकलेगा और 120 वोल्ट उसे चार्ज करने के लिए आएगा, और टर्मिनल वोल्टेज निकालने का तरीका है चार्जिंग में ये। अगर यही बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती, ऐसा होता, सुनो मेरी बात ध्यान से यार, अगर ऐसा होता बैटरी का वोल्टेज तो होता 120, कितना होता, और बाहर जिसे हम चार्ज करते वो होता 8 वोल्ट, कितना होता 120 इधर जाता, 8 वोल्ट इधर आता, कौन पावरफुल है 120, ईएमएफ कितना 112 ही आता, लेकिन इस डायरेक्शन में होता, यानी बैटरी होती है डिस्चार्ज और डिस्चार्ज में यहां आता माइनस, क्या आता, क्लियर है ना बात? ओके, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप से एक बार करके देखना, अपने आप बिल्कुल प्रॉब्लम की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, सर्किट डायग्राम बनाना, सॉल्व करना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मुझसे डिस्कस करना। जितना अपने आप से लिखकर देखोगे ना उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। देखो यार ये लास्ट प्रॉब्लम है अपने पास में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके सामने प्रॉब्लम है ना बेटा, पूछ क्या रखा है, सवाल तो काफी लंबा चौड़ा है, मैं आपको ना इजी वर्ड में बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। उसने ये कहा कि जब हमने अकेली सेल लगा रखे हैं यहाँ पर, ये तुम्हें डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, इसे भूल जाओ, ये नहीं है यहाँ पर, अकेली सेल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ मिल रहा है हम लोगों को। अगर मैंने सेल के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसे बोलते हैं शंट, क्या बोलते हैं, अगर पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया तो बैलेंसिंग पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, समझ में आ रही बात? तो मुझे आपको बताना है कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले ये बताओ कि इस सेल का नाम क्या है, ड्राइवर सेल, जो पोटेंशियोमीटर को चलाती है। इस सेल का नाम है अननोन सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर,
अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो आपको दो सिचुएशंस लेनी पड़ेंगी। पहली सिचुएशन विदाउट एनी बैलेंसिंग पॉइंट यहां मिल रहा है। बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब तो समझते हो ना, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाती है, जीरो। क्लियर हो रही बात? अगर मैंने इसके साथ पैरेलल में क्या लगा दिया, एक शंट, क्या लगाया, बैलेंसिंग पॉइंट यहां मिल रहा है आप लोगों को। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वेरी इजी। जब हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो उस समय एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था बेटा, और फॉर्मूला है हमारे पास में ये, स्मॉल आर इज इक्वल टू एल वन माइनस के एल टू, सॉरी एल वन अपॉन एल टू माइनस वन अपॉन कैपिटल आर। एल वन का मतलब है बैलेंसिंग लेंथ विदाउट शंट, एल टू का मतलब है बैलेंसिंग लेंथ विद शंट, R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ शंट। क्लियर हो रही बात? अब बताओ L1, प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से, और L1 का मतलब है बिना रेजिस्टेंस के जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है। पढ़िए प्रॉब्लम की लैंग्वेज को जरा, कितनी है, 76.3, दिस इज द वैल्यू ऑफ L1, हो गया L1। शंट लगाने के बाद कहां मिल रहा है, 64.8, ये हो गया L2, और जो हमने बाहर से रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू कितनी है, बताओ वैल्यू पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, इजी है बिल्कुल, ठीक है, कर पाओगे ना आराम से। तो बताओ L1 की वैल्यू क्या है, 76 पॉइंट, L2 कितना है बेटा, 64.8 माइनस 1, कैपिटल R कितना है, ओके सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर नीचे लेंथ लेंथ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कर लोगे ना कैलकुलेट। अच्छा पोटेंशियोमीटर में वो जो एक टर्म आता है, सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे कम किया जा सकता है, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया, अभी एक दो दिन पहले ही बताया था, सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है, 1/k। सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, के को कम करेंगे सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब के को कैसे कम कर सकते हैं, के का नाम है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, के का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और के का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो है ये, ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर एस मल्टीप्लाई बाय एल। देखो बेटा समझ लेना कौन सी चीज क्या है, ये जो ई दिख रहा है ना ई, ये इस सेल का ईएमएफ है, इसे बोलते हैं ड्राइवर सेल। आर का मतलब है ये वायर दिख रहा है, वायर, इस वायर के रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, समझ में आ रही बात। आर एस दिख रहा है, आर एस, यहां एक रेजिस्टेंस होता है, यहां ऐसे एक रेजिस्टेंस होता है सीरीज रेजिस्टेंस जो हम बाहर से लगाते हैं उसे बोलते हैं आर एस, और वायर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, एल। क्लियर हो रही बात? अच्छा अब के को घटाने के कितने तरीके हैं, अगर आप ड्राइवर सेल के ईएमएफ को कम करोगे तो के भी कम होगा, पहला तरीका हो गया, क्लियर। अगर आप आर एस को बढ़ाओगे, सीरीज रजिस्टर को बढ़ाओगे, किसे बढ़ाओगे, अगर सीरीज रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो के कम होगा, और के कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो लंबाई एल बढ़ाने से क्या होगा, के कम, और के कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। यही वन मार्क्स में क्वेश्चन आया था आपके सामने, अगर आपको सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बढ़ाना है या सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए ड्राइवर सेल का ईएमएफ कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, लेकिन अननोन ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो बैलेंसिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात। दूसरा, ये रेजिस्टेंस आपको क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और पोटेंशियोमीटर की लंबाई भी मैक्सिमम से, वायर की लंबाई मैक्सिमम से मैक्सिमम। लैब में देखा तुमने वो वायर से बने हुए हैं, स्कूल लैब में देखा है, जिस पोटेंशियोमीटर में जितने ज्यादा वायर्स होंगे वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्लियर हो रही बात? जिसमें जितने ज्यादा क्या होंगे, वायर, वो मोर सेंसिटिव होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार, दो तरीके के पोटेंशियोमीटर आते हैं आपकी लैब के अंदर, एक में चार वायर होते हैं, एक में दो वायर होते हैं, समझ में आ रही बात। तो वो पूछ लेगा कि चार वायर वाला ज्यादा सेंसिटिव है या दो वायर वाला ज्यादा सेंसिटिव है, चार वायर वाला ज्यादा सेंसिटिव है दो वाले के कंपैरिजन में, समझ में आ गई ना बात। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके तो इस बार तुम्हारे प्रैक्टिकल कैसे होंगे बच्चों, मतलब जब तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे फाइनल, वो तुमसे परफॉर्म कराकर देखेंगे या बस ऐसे ही चल जाएगा काम, कराएंगे परफॉर्म। तो हो रहे तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल, हो रहे हैं, सिखाया जा रहा है आप लोगों को कुछ,
ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ठीक है बेहतर है, ऑनलाइन में तो और अच्छे से समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई, कोई डाउट किसी को तो बताओ, ठीक है ओके। तो हमारे पास में ऐसे सवाल थे यार, कम है सवाल, देखो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, दो बल्ब लगा रखे हैं, एक बल्ब का नाम क्या है B1, एक बल्ब का नाम क्या है और इनकी रेटेड वैल्यू क्या है, मार्क वैल्यू क्या है, मार्क जो बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, बल्ब की पावर कितनी है और वोल्ट, बल्ब की पावर और वोल्ट हमने कितनी सप्लाई के साथ जोड़ा, 300 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा। हमें यह बताना है कि जैसे ही हम इसे 300 वोल्ट के साथ जोड़ेंगे क्या कोई बल्ब फ्यूज होगा या नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों बल्ब में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए, हो सकता है कि दोनों फ्यूज हो जाए, और हो सकता है कि कोई भी फ्यूज ना हो। ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप दो चीजें निकाल दीजिए बेटा। दो चीजें आप क्या निकालोगे, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दो और इस बल्ब की मैक्सिमम करंट निकाल दो, कि इस बल्ब के अंदर से इस बल्ब की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितनी करंट को ये अपने अंदर से पास करा सकता है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दो और करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो कि ये बल्ब अपने अंदर से मैक्सिमम करंट कितनी पास करा सकता है, ठीक है। चलो देखो, हमने सर्किट को ना थोड़ी देर में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, अरे ध्यान देना जरा, हमने सर्किट को कुछ टाइम के बाद में कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया, बल्ब को हटाकर रेजिस्टेंस लगा दिया। बताओ बेटा इसका रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा, वोल्टेज का स्क्वायर 200 × अरे आया समझ में, कितना आ गया 400 ओम, आया 400 ओम। सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे, यह आएगा 200 ओम, कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस 400, इसका रेजिस्टेंस 200। कैसे निकाला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन से वोल्टेज का यूज करते हो, ये जो सोर्स का वोल्टेज है या जो मार्क वैल्यू है, मार्क वैल्यू का यूज करोगे, क्लियर हो रही है बात ओके। अब आप देखो कि कितनी करंट पास हो रही है बेटा, यहां कितना है और यहां कितना है, टोटल कितना हो गया 600, बैटरी का वोल्टेज कितना है 300, करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 300, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 600, यहां से जो करंट निकलेगी वो कितनी होगी 0.5 एम्पियर, कितनी होगी 0.5, समझ आ रही बात। चलिए ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमें यह बताना है कि ये जो 0.5 की करंट पास हो रही है, ये बल्ब इसे झेल भी पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, कभी फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमें इस बल्ब की मैक्सिमम करंट निकालनी पड़ेगी। देखो बेटा, मैक्सिमम करंट निकालने का तरीका है पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दो। पावर को किससे डिवाइड करो, बल्ब की पावर को बल्ब के वोल्टेज से ही डिवाइड कर दो, क्योंकि पावर का एक फॉर्मूला यह भी होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, I की वैल्यू निकल जाएगी P अपॉन V, P की वैल्यू 100, वोल्टेज की वैल्यू 200, 100 को 200 से डिवाइड करोगे तो ये निकल जाएगा 0.5, यानी ये बल्ब मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.5 एम्पीयर तक की करंट को पास करा सकता है। कितनी करंट पास हो रही है इसमें से, इसकी लिमिट भी 0.5 पर है, बस बाल बाल बच गया ये, समझ में आ रही बात। अगर हल्की से भी करंट ज्यादा होती बैटरी से निकलने वाली तो ये क्या हो जाता, फ्यूज, बिल्कुल इसकी मैक्सिमम लिमिट पर करंट फ्लो कर रही है, कर रही है या नहीं कर रही है। अब दूसरे बल्ब पर आते हैं, बताओ कितना आएगा, कैसे निकालेंगे करंट, दूसरे बल्ब की मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे, पावर को वोल्टेज से डिवाइड करो, पावर कितनी है 200, वोल्टेज कितना है, कितना आएगा, यानी ये बल्ब की लिमिट है 1 एम्पियर तक की करंट को पास कराने की, कितने एम्पियर तक की करंट को, और पास कितनी हो रही है, इसे कुछ नहीं होगा, ये बच जाएगा, इसकी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचने में अभी काफी टाइम है,
ये 1 एम्पियर तक की करंट को पास करा सकता है, और कितनी पास हो रही है, 0.5। ना तो ये फ्यूज होगा और ना ये फ्यूज होगा। अगर ऐसा होता कि 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होती, ये फ्यूज हो जाता और ये बच जाता। क्लियर हो गई ना बात? अभी कोई फ्यूज नहीं होगा, B1 और B2 में से कोई भी फ्यूज होने वाला नहीं। ओके, ठीक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम आपका फिनिश हो गया। PDF वगैरह हम आपके पास में सेंड कर चुके हैं, ठीक है। आप अपना अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस में कोई डाउट निकलता है तो इनमें पूछो, इनमें नहीं निकलता है किसी और क्वेश्चन में निकलता है जो आप लोगों ने कर लिए हो उनमें पूछो, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना अच्छे तरीके से आप तैयार करो। NCERT आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। दूसरा, आपके प्रीवियस ईयर तैयार हो चुके हैं, मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बता दिए हैं, और जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स आने वाले हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका फिनिश। मंडे की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।